आज से एक माह तक चलने वाले यातायात जागरूकता माह का जनपद कासगंज में शुभारंभ हो गया। नगर के सोरो गेट अंबेडकर पार्क के पास यातायात जागरूकता अभियान का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक मनोज सोनकर ने फीता काटकर व जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मनोज सोनकर ने कहा कि एक एक जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई किसी को जीवन तो नहीं दे सकता, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता और सावधानी से जीवन बचाया जरूर जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर यातायात व्यवस्था को बदल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, यह जीवन से जुड़ा प्रश्न है। संकल्प ले कि आने वाले दिनों में सभी लोग वाहनों पर सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग अवश्य करेंगे। वहीं उन्होंने कोविड-19 को देखते हुए घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की। पथवासियों से, जनता से, नौजवान बच्चों से और अपने पत्रकार बंधुओं से इस यातायात माह को सफल बनाने के लिए सहयोग करें, ताकि दुनिया में यातायात से जितनी मौतें हो रही हैं, हत्या की तुलना में यातायात से एक्सीडेंट से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। लोग सजग रहें, सतर्क रहें, यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं तथा जो है तो नियम और कानून का पालन करें, रैश गाड़ी न चलाएं, क्योंकि एक्सीडेंट से जब मौत होती है तो किसी घर का कोई ना कोई सदस्य चला जाता है, उससे बहुत दुखदायी क्षण होता है और